दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 17 जून 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:01 और मैं आ गया हूँ आपका द्वारका सेक्टर 3 में हूँ। डीपीएस स्कूल मेरे जस्ट उसके गेट के बाहर ही खड़ा हूँ मैं तो। मेरे लेफ्ट साइड में डीपीएस है और राइट में एक यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, तो दोनों आमने सामने है यहाँ पर डीपीएस में। तो मैं आ गया हूँ डीपीएस के पास और अभी मैं ड्रॉप करके आया हूँ आपका खाली सुभाष नगर से। सुभाष नगर पे मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था और वो पिकअप मैं लेकर आया था आपका इधर से, क्या कहते हैं, हुमायूंपुर से एनसीसी कैंप का जो ऑफिस है ना, वहां से पिकअप लिया था उसका। तो वहां से ले फिर एक्चुअली रेट मतलब पहले 5 बजे से स्टार्ट हो रहा था रेट, अब 6 बजे हो रहा है। मतलब ऊबर का जो रेट का चेंजेस वाला सिस्टम था ना कि 3 घंटे में बढ़िया रेट मिलता था, वो अब इसने सिलेक्टेड जगह पर ही कर दिया दोस्तों। तो सिलेक्टेड जगह मतलब जहां पर पीक अच्छी डिमांड है वहां पर तो आपको अच्छा रेट मिल रहा है, जहां पर नहीं है डिमांड वहां एकदम नॉर्मल रेंज में चल रहा है। तो इसका भी सिस्टम का कुछ समझ नहीं सकते हम, कैसे मतलब काम करता है कैसे नहीं करता, कभी अच्छा रेट भी दे देगा। आज सुबह अच्छे रेट दिया। सॉरी, सबसे पहले तो सभी भाइयों को ईद की ढेरों शुभकामनाएं। आज बकरी ईद थी तो सभी भाइयों को, मेरे जो मोमिन भाई हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, उन भाइयों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आई होप, आशा करता हूँ आपने अपने ये फेस्टिवल अपना फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय करके मनाया होगा और सभी भाई खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मैं सभी भाइयों के लिए कामना करता हूँ। और ढेरों शुभकामनाएं आपको बकरी ईद की। और दोस्तों सुभाष नगर से आ रहा हूँ खाली, और आज मॉर्निंग में निकला था तकरीबन 10 बजे स्टार्ट किया था काम, और 10 से 10 आप समझ लीजिए 12 घंटे। तो पहली ट्रिप मुझे कहाँ की मिली थी, पहली ट्रिप मिली थी मेरे को सरोजनी नगर मार्केट की, और वो ट्रिप मुझे मिल गई थी मेरे खुद पड़ोसी की। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप फिर ऐसे ही, कोई नहीं इसे बंद कर दो, कोई नहीं मैं वैसे ही छोड़ दूंगा पड़ोसी से, यार क्या पैसे लेना। पर वो ये पड़ोसी भी कह रहा भैया घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। मैंने कहा ये तो बात सही कह रहे हो। तो फिर उन्होंने कैंसिल नहीं करी बुकिंग, तो मैं कहा चलो ठीक है, जितना 305 रुपये बना था 205 रुपये अगर कैंसिल कर देते तो मैं हो सकता है 200 रुपये ही उनसे ले लेता, कम से कम 100 रुपये का डिस्काउंट होता, बट उन्होंने करी नहीं। तो पड़ोसी थे, उनको छोड़कर आया सरोजनी नगर, सरोजनी नगर से पहुंचा एम्स, एम्स के पास से फिर मेरे पास आई बुकिंग आपका इधर की वसंत गुंज की। तो वसंत गुंज में फिर वसंत गुंज की एक और करी, तो ऐसी छोटी छोटी बुकिंग है दोस्तों आज करी है। और एनसीआर जा नहीं रहा, एनसीआर जाने का रीजन लास्ट मैं गया था 3-4 दिन पहले बुराड़ी अथॉरिटी, तो वहां पर सारी चीजें कराई थी, केवाईसी वगैरह कराया था, और अब मैसेज भी आ गया मेरे पास कि आपका परमिट रिन्यू हो चुका है, सिस्टम में रिन्यू हो गया दोस्तों। बट जो पीडीएफ फाइल आई थी उस वो पूरी की पूरी परमिट मैंने ओपन करके देखी, बिल्कुल दोस्तों ब्लैंक, सिर्फ उसमें मतलब जो हमारी मेरी गाड़ी की डिटेल्स, नाम, एड्रेस, इतने टाइम की परमिट मिली है वो सब गायब थी। तो मैंने अपने एजेंट को फोन किया, उसने बोला कि भैया ये हाल होता है उनका जो खुद से कराना चाहते हैं, तो 2 पैसे बचाना चाहते हैं तो उनको ये तंग करते हैं, और हम लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करते, हम 1 मिनट में सारे काम करवा देते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी उसके। तो मैंने कहा हाँ, कहता इसीलिए हम लोगों को पूछा जाता है, हम लोग जाके तुरंत, क्योंकि अंदर पैसा चढ़ता है, पैसे खाते हैं, तो इसीलिए फटाफट काम होता है, और जो पैसा नहीं खिलाते जेन्युइन तरीके से कराते काम, उनको काम ये लटका के रखते हैं। तो यही गलती मेरे से हुई, इस बार मैंने परमिट रिन्यू खुद से करा, हालांकि मैं हर बार उसी भाई से करवाता था, पर मैंने सोचा इस बार ऑनलाइन का सिस्टम है तो मैं खुद ही कर देता हूँ, 1500 रुपये बचने, देखो 100 रुपये भी कहीं भी बचने तो हर कोई सोचता है वहां से बेनिफिट उठा ले, और उस चीज को अगर हमारे थ्रू खुद ही हो रहा है तो हम उस चीज को, यार वो 100 रुपये या 1500 रुपये मैंने यही सोचे थे बच जाएंगे तो किसी और चीज में, पर वो ही 1500 रुपये मुझे 15-20 दिन के नुकसान का कारण बन गया। तो अभी भी ये लगा लीजिए परमिट रिन्यू हो चुका है सिस्टम में, वाहन की ऐप में अपडेट हो गया 2029 आ रहा है, बट अभी पीडीएफ फाइल नहीं आई मेरे पास। तो पीडीएफ फाइल मैंने बोला उसको, तो कल आज छुट्टी पड़ गई थी, बकरीद थी, तो कल शायद मैं भी दे दे, और कल अगर देता है तो मैं तुरंत हरियाणा का टैक्स काटूंगा, कटवाऊंगा या काटूंगा, खुद जाऊंगा, खुद जाने से कोई फायदा नहीं है, वहां पर भी एजेंट ही सारे लगे रहते हैं, जेन्युइन तरीके से आप जाओगे तो नुकसान ही होना है। तो यूपी वाला मैं खुद ही कटवा के आऊंगा, इस वाले को मैं चला जाऊंगा यहाँ पर हरियाणा के, मतलब किसी से
किसी के थ्रू करवा लूंगा, 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, पूरे दिन का नुकसान होने से दोस्तों 1000 रुपए देना बेटर है। तो आज सारी छोटी छोटी बुकिंगें करी है, करने का रीजन यही था, एनसीआर जा नहीं सकता था, तो अब जैसी परमिट रिन्यू होगी तो एनसीआर में जाना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों दोबारा से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और काफी भाई देखिए दिल्ली में आप जानते ही होंगे किस गाड़ी में कितना मतलब हमें फायदा होता है और कौन सी गाड़ी लेना बेस्ट होता है। तो एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि भैया मेरे पास मतलब डीएल 180 गाड़ी है, बट उसको मैं सिर्फ एनसीआर में ही चला सकता हूँ या मैं इसको बाहर भी ले जा सकता हूँ, और बाहर अगर ले जाऊं तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो डीएल 180 गाड़ी जो भी भाई उन्होंने नहीं ली है तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, आपके पास अगर इंटरसिटी बुकिंग आती है ठीक है तुरंत उठा लो, अगर जाने का मन है उस लोकेशन पे आप मतलब उस लोकेशन से आप मतलब जा सकते हो, आपकी जान पहचान की लोकेशन है ठीक है, या आपके लिए अनजान लोकेशन है तो बिल्कुल भी मत जाए इंटरसिटी में। जानकारी लोकेशन है जैसे अम्बाला, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, अगर आप जा सकते हो, कैपेबल हो, आपको एरिया के नॉलेज है, तो आप इंटरसिटी बुकिंग डीएल 180 में भी कर सकते हैं, और बुकिंग बकायदा आती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बुकिंग नहीं आती। मेरे पास खुद वृंदावन की आई है, चंडीगढ़ की आई है, और आपका इधर मेरठ की आई है, हापुड़ की आती है, हरिद्वार की आती है बुकिंग, तो ऐसा नहीं है बुकिंग नहीं आती। और ये बुकिंग जैसे आपने नई गाड़ी ली है और आपके पास इंटरसिटी नहीं खुली है, तो दोस्तों आपकी ट्रिप्स को उबर वो करेगा और चेक करेगा कि आपकी ट्रिप्स सही हो रही है कि नहीं, तो धीरे धीरे उसको अनलॉक करेगा, एकदम से आपको इंटरसिटी ट्रिप्स नहीं देगा। तो काफी भाइयों के ये क्वेश्चन है कि डीएल 180 गाड़ी को हम कैसे ले जा सकते हैं और किसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए पहले हुआ करता था कि डीएल 180 गाड़ी पर जब इंटरसिटी हमें बाहर जाना पड़ता था तो इसके लिए परमिशन कटता था एक, और ये परमिशन ऑफलाइन मिलता था अजमेरी गेट से, कालीपीली टैक्सी का स्टेट टैक्स का इंटर स्टेट का एक पूरा काउंटर होता था जहां पर कालीपीली टैक्सी खड़ी होती है, उनका बूथ होता था, वहां से हमें पर्ची कटवानी पड़ती थी, या फिर दूसरा ऑप्शन था आपका टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे भी कालीपीली टैक्सी का ही वही बूथ था, वहां से हमें अपनी RC दिखा के परमिशन कटवानी पड़ती थी, वहां पर लेते थे परमिशन बढ़ाने के 50 रुपए बंदा जो बनाता था, और 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको जितने दिन के लिए भी जाना है उतने दिन की आपको भाई। तो ऐसे में दिक्कत क्या होती थी कि एकदम से अब सडनली हमारे पास सपोज हम ओला चला रहे हैं, उबर चला रहे हैं, या सडनली चलते चलते हमें कोई नई दिल्ली से मिल गया कि भाई हमें यहाँ पर जाना है, उत्तराखंड जाना है, हरिद्वार जाना है, तो ऐसे में क्या है कि बंदा फंस जाता था क्योंकि उसके लिए परमिशन चाहिए होती थी। अब रात के 2 बजे अगर कोई बुकिंग आ गई, रात में पता नहीं काउंटर खुल रहे नहीं खुल रहे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सिस्टम कर दिया बंद, और अब कर दिया सिस्टम ऑनलाइन। ऑनलाइन करने से आपको बेनिफिट क्या हो गया दोस्तों, आपको ऑफलाइन में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप किसी भी साइबर कैफे से या अगर आप खुद काटते हो तो खुद काट सकते हो, जब भी आपके पास मतलब इंटरसिटी की बुकिंग है ऑनलाइन फटाफट 10 मिनट लगते हैं, साइड में गाड़ी लगाओ, फटाफट अपने फोन से काट लो, नहीं काट सकते तो जहां पर टैक्स काटते हैं, स्टेट टैक्स काटते हैं, वो तुरंत काट के दे देंगे, 20-30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, बट क्या है कि आपकी बुकिंग बहुत अच्छी मिस नहीं होगी और आप जाने से भी हिचकिचाएंगे नहीं, और बिंदास होकर आप अपनी ये इंटरसिटी की ट्रिप्स का लाभ उठा सकते हैं ठीक है। तो मैंने बता दिया अब इंटरसिटी की ट्रिप्स जो भी भाई डीएल 180 गाड़ी चला रहा है तो बेझिझक होके आप ले लीजिए, और लेने से आपको बेनिफिट ही होगा दोस्तों। अगर देखिए पूरे दिन यहाँ दिल्ली में आप कर चलो 100-150 किलोमीटर, वहां आपको 2 घंटे में आप 2-2.5 हजार रुपए आराम से निकाल सकते हो, और फिर उबर की एक कमिटमेंट भी है कि अगर आप इंटरसिटी बुकिंग लेकर जा रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी गाड़ी को मिलेगी। और जैसे कि ये हुआ है मेरे साथ, मैं वृंदावन गया था, मेरे पास आई थी लास्ट टाइम, आपको याद हो मैंने बताया था एक साउथ इंडियन थे, उनकी वृंदावन की ट्रिप थी, तो उनको मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही दोस्तों मेरे को वापसी फरीदाबाद की मिल गई तुरंत, जबकि वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थी, HR नंबर खड़ी थी, UP नंबर खड़ी थी, दिल्ली नंबर भी थी, 1Z भी थी, बट उसने फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे को दी क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ बुकिंग, वो शायद हो सकता है ऑफलाइन में लाए हो और यहाँ जाके उन्होंने ऑन कर लियो, तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस उबर आपको ही देगा क्योंकि आप दिल्ली से लेकर आ रहे हो। हाँ, हालांकि प्राइस दोस्तों इसमें कम मिलेंगे, वापसी में जाते वक्त आपको थोड़ा सा ज्यादा प्राइस मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं काम करने की,
बट जितना होता है नसीब में, देखिए सारी की सारी नसीब के ऊपर है, आप जितना हाथ पैर मार लीजिए, यहाँ पर जितना लिखेगा इस दिन आपने इतना कमाना है तो उतना कमा के ले जाओगे, और नहीं लिखा तो नहीं लिखा, जितना कम होगा जितना कम होगा। तो आज का मेरे नसीब में कितना है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 2341 रुपए का मेरा काम है दोस्तों। इसमें मैंने CNG डलवाई थी 481 रुपए की सुबह, और 352 रुपए की अभी दिन में डलवाई थी वसंत कुंज से। तो 400 और 300 700 और 50 आपका हो गया 50 और 80 130, तो 830 रुपए की टोटल CNG मेरी लगी है, जिसमें मेरे पास अभी गाड़ी चल गई है 175 किलोमीटर, और अभी लास्ट का सेकंड लास्ट वाला पॉइंट जो है अभी ग्रीन हुआ है, तो मतलब 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर की तक की मेरे पास CNG अभी है। तो 830 की CNG थी, और पहले की भी थी मेरे पास 100-150 की, मतलब आप समझ लीजिए 1000 रुपए तक की CNG लगी है, 1000 में मेरे पास 200 रुपए की CNG पड़ी है, तो 200 की पड़ी है और 800 की हो गई है खर्च, ठीक है। इसमें काम आप सोचोगे 2300 रुपए का महेश भाई का कम हुआ है, 800 की CNG में तो महेश भाई 3000 कर लेते दोस्तों, 3000 होता था, बट वो होता था UP हरियाणा जाने पे और टोल इंक्लूड करके, तो वो टोल इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसलिए काम इतना हो रहा है। तो 2341 का काम है, तो 800 की CNG लग गई है, तो 800 निकालेंगे बचेंगे 1500 रुपए, 1541, 300 रुपए और निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे, 100 रुपए का पेट्रोल, तो 300 और निकालेंगे तो बचेंगे 1241, तो 1241 की आज नेट इनकम है दोस्तों मेरी। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, हाँ आपने ड्राइवर रखा हुआ है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, और आपकी गाड़ी EMI पे है तो वो भी निकालने के बाद ही आपको नेट इनकम बचत आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप शेयर करते हो आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूँ, हेल्प मिलती है उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओलावर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ मेरे काफी भाई आज छुट्टी में है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, बकरीद थी। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, आपके लाइक और शेयर से बहुत हेल्प मिलती है आगे पहुंचते वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।